सो हेलो भाई लोग, स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। मैं हूँ आप लोगों का सोनू भाई और आप लोग देख रहे हो गेमर रो सिस्टर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मुझे काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं उन सभी का रिप्लाई देने की जरूर से कोशिश करूंगा। आज होने वाले पूरी तरीके से क्यू एन ए का वीडियो, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया है और उन सभी का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। किसी किसी भाई का क्वेश्चन छूट भी सकता है, क्योंकि सभी का रिप्लाई देना संभव भी नहीं होता है और किसी किसी भाई का छूट जाता है। इसमें से आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानना, आप लोगों को हो सके तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी के दे सकूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कल के वीडियो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था जो कि भाई तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा फुल नेम क्या है। तो भाई लोग मेरा फुल नेम है सोनू छेत्री और मैं आसाम में रहता हूँ। और काफी सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि घर में कौन कौन रहते हो। घर में सभी लोग रहते हैं, मतलब कि मेरा मम्मी पापा और भैया बाहर रहते हैं, भाभी रहती है और उसके बाद एक छोटी सी बहन है और बस इतना ही रहते हैं हम लोग। घर में पूरे के पूरे टोटल 6 लोग रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया है नूब गेमर्स भाई की तरफ से, भाई आप किससे इंस्पायर्ड होके YT चैनल खोला है। सच कहूं तो मैं किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हुआ हूँ, जो भी हुआ हूँ खुद के दम पे हुआ हूँ। और मैंने जब से स्नैक वीडियो पे शायरी डालना शुरू किया, मेरा वायरल जाते गया शायरी, तब से मुझे लगा कि स्नैक वीडियो पे मैं इतना वायरल हो सकता हूँ मेरे शायरी की वजह से, तो मैं यूट्यूब में क्यों नहीं हूँगा। तो मैंने यूट्यूब में फटाफट वीडियो डालना शुरू किया और अभी मेरा अभी के टाइम पे 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बादशाह गेमिंग भाई की तरफ से, सोनू भाई आपने सिर्फ रोस्ट करने का क्यों सोचा। रोस्ट करने का मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही रोस्टिंग चैनल वायरल जा रहा था, ग्रोइंग हो रहा था रोस्ट चैनल, और मुझे भी लगा कि मैं गेम भी खेलूंगा और रोस्ट भी करूंगा। इसीलिए मैंने रखा गेमर रोस्ट स्टार, मतलब मैं गेमर भी हूं प्लस मैं रोस्ट भी करता हूं, मतलब कि गेमर रोस्ट स्टार, उसी हिसाब से सोच के मैंने नाम भी रखा था। और आज के टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम गेमर रोस्ट स्टार ही है। प्रदीप राम भाई ने पूछा है आपका 100K सब्सक्राइबर हो गया यार, तो आपको कैसा लग रहा है। भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो कि आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट दिखाया मुझे, किसी ने भी नहीं दिखाया था आज तक, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी नहीं दिखाया था कि मैं यूट्यूब में जाऊंगा। और किसी का भी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है ऑनलाइन के बारे में। अगर आप लोग किसी भी गाँव के लोगों से जाके पूछोगे कि मैं ऑनलाइन से इतना कमाता हूँ या तो यूट्यूब से मैं इतना अर्निंग करता हूँ, यूट्यूब में मेरा चैनल है, तो आप लोगों को हंसने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि मुझे भी अभी तक लोग हंसते हैं। अगर वो इंसान पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, अगर आप लोग जाके उसे पूछोगे कि मैं YouTube में इतना कमाता हूँ या तो YouTube में मेरा चैनल है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ YouTube में, तो आप उसे जाके बोलोगे ये क्या होता है, ये तो काम धंधा नहीं होता है, बोलकर हंसने लग जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को करना है, ये किसी का भी बात मत सुनो। अगर आप लोगों को YouTube में आना है तो आप लोग पार्ट टाइम हिसाब से कर सकते हो, पूरी टाइम YouTube पे मत लगा देना, आप लोग पार्ट टाइम कर सकते हो, क्योंकि YouTube में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं और मैं भी सक्सेस नहीं हुआ हूं अभी तक। अगर आप लोग YouTube चैनल खोलना चाहते हो तो आप लोग किसी को भी मत बताओ, चुपचाप से एक YouTube चैनल खोल लो, उसके बाद आप खुद ब खुद पार्ट टाइम एक दिन में एक वीडियो डालो। एक वीडियो डालने में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है और आप लोग वहां से छोटी छोटी 6 मिनट या तो 3 मिनट ऐसा लंबी लंबी थोड़ी सी लंबी लंबी वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास अच्छा डिवाइस नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मुझे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी कोई भी सेटअप नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा डिवाइस है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है, मैं फिर भी YouTube चैनल चला रहा हूं, अच्छा खासा चल रहा है अभी। अभी के टाइम पे थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो रहा है मेरा YouTube से तो नहीं, जो भी स्पॉन्सर आता है उसी से मेरा थोड़ी बहुत अर्निंग हो रहा है। और अगर आप लोगों के पास कोई भी डिवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है, ये बात को अपने अंदर में घुसा लो, उसके बाद आप लोग एक YouTube चैनल खोल लो, जरूर सक्सेस हो पाओगे। जैसे कि अभी मैं चला रहा हूं Redmi Note 8 में, ना ही मेरा प्रो मोबाइल है, ना ही नोट कुछ भी है, मतलब सिंपल सा नोट 8 आप लोग सोच सकते हो, जो कि 1 साल हो चुका है मेरा मोबाइल लिया हुआ। एक जब भी लॉन्च हुआ था ये मोबाइल, मैंने तभी लिया था इस मोबाइल को, और मेरा अभी 4GB रैम के मोबाइल में मैं सभी कुछ करता हूँ, जो कि यूट्यूब भी चलाता हूँ, गेम भी खेलता हूँ, सभी कुछ, मतलब ऑलराउंडर है मेरा मोबाइल। जो भी मुझे दिया है इसी मोबाइल ने दिया है आप लोग, इसीलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। आप लोगों के पास अगर 3GB रैम का मोबाइल ही है ना, तो आप लोग बिल्कुल यूट्यूब चैनल चला सकते हो। और बात रही भाई की क्वेश्चन की, जो कि 100K होने पर कैसा लग रहा है आपको, तो बहुत ही खुशी हो रही है, जो कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया, आज मुझे यहाँ तक 100K सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने में लोगों को लग जाता है पूरे के पूरे 1-2 साल, जो कि मैंने 1 महीना 17 दिन के अंदर में पूरे कंप्लीट करके दिखाया, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया मेरा इतना जल्दी, तो इसके लिए दिल से थैंक यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हरीश भाई की तरफ से, आप किसको एक्सपोज करना चाहोगे।
देखो भाई, एक्सपोज कोई भी मन मर्जी से नहीं होता है, जो कि मैं जिसको चाहूंगा उसे एक्सपोज कर दूंगा। अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं उसे एक्सपोज जरूर करूंगा, अगर वो गलती नहीं करेगा तो उसे बिना काम में एक्सपोज करके क्या फायदा। एक्सपोज का मतलब होता है सच्चाई निकालना। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो वो अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, तो उसे हम लोग एक्सपोज करके उसका सच्चाई निकाल सकते हैं, उसी को कहते हैं एक्सपोज। और मैंने सोचा है जो कि मैं एक्सपोज किसी को भी नहीं करूंगा और ये रोस्ट भी किसी को भी नहीं करूंगा, मतलब कि पूरी की पूरी कॉन्टेंट चेंज कर डालूंगा, क्योंकि ये रोस्ट करने पे बहुत ही हेट फैलती है और एक्सपोज करने पे बहुत ही हेट फैलती है। मैं किसी भी यूट्यूबर के नजर में दुश्मन बनना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये रोस्ट एक्सपोज वाली काम छोड़कर मैं एक अच्छा कंटेंट लाऊं। आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट करके बता देना। आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो देखना सबसे अच्छा लगता है वो एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शहजाद गेमर भाई की तरफ से। भाई आप कितने साल के हो? मैं 17 साल का हूं, मतलब कि ये फरवरी 23 को मेरा बर्थडे है, पूरा 18 पहुंच जाऊंगा और 19 में दौड़ने लगूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्री फायर फनी गेमिंग की तरफ से। भाई आप कौन सी क्लास में हो? मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई करना छोड़ दिया, जो कि 10th पास करके मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई करना छोड़ दिया और कॉलेज भी 2 दिन ही गया, उसके बाद मैंने कॉलेज भी पढ़ना छोड़ दिया। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो, जब भी फर्स्ट मोबाइल लिया था और मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया था, तब मुझे लगता था कि अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं फ्री फायर खेल नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग पढ़ के कुछ करना चाहते हो तो आप लोग गेम में उतना बिजी मत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राहुल भाई की तरफ से। भाई तुम्हारा जीएफ कितना है? भाई टाइम पास और रियल लव में बहुत ही फर्क होता है। जो लोग भी टाइम पास करते हैं वो लोग 10-12 चाहे जितना मर्जी उतना जीएफ पटा सकते हैं, और जो भी रियल लव करता है वो सिर्फ एक ही पटाता है और उसी के बारे में सोचता है, उसी के जो भी आगे का जो भी होगा उसका सफर उसी के लिए सोचता है। और उसी कंडीशन में मैं भी आता हूं, जो कि मेरा भी एक ही है जीएफ। और आप सब लोगों को मैं जब भी मैं यूट्यूब में अच्छी तरह से सक्सेस हो जाऊंगा जरूर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सोनू गेमर भाई की तरफ से। भाई जब आप यूट्यूब स्टार्ट किए तो आपका पापा को पता चला तो आपका पापा का रिएक्शन क्या था? तो भाई इतना खास रिएक्शन तो नहीं था मेरे पापा का, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि ये यूट्यूब क्या होता है और यूट्यूब से क्या किया जाता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो भी गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा क्योंकि गांव के लोग कैसे होते हैं। अगर कोई गांव का इंसान चाहे पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, उसे उतना पता नहीं होता कि ये ऑनलाइन से क्या किया जाता है, यूट्यूब क्या होता है, उन लोगों को मतलब ये सभी नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए मतलब उन लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ भी नहीं है, बस सरकारी नौकरी है सबसे बड़ा, यही लगता है। मेरा पापा का फर्स्ट रिएक्शन बोला जाए तो जब मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप आया था, मतलब कि मेरा यूट्यूब का सबसे पहला स्पॉन्सरशिप से मुझे मिला था 1400 रुपए, तब बोल रहे थे कि पापा तुझे कैसे मिल गया इतना जल्दी 1400 रुपए, और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि इतना जल्दी तूने 1400 रुपए कमा लिया, कैसे कमा लिया, ये सभी मतलब पूछ रहे थे मुझे, और तू और भी कमाएगा, कल भी आएगा पैसा या नहीं आएगा, ऐसा पूछ रहे थे, मतलब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और काफी सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई तू यूट्यूब से कितना कमाता है, यूट्यूब से कितना इनकम है? तो देखो भाई लोग, मेरा यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग नहीं है, मतलब कि चैनल ही मोनेटाइजेशन कुछ दिन पहले हुआ है, चैनल में मैंने काम करना स्टार्ट किया हुआ, मतलब पहले ही चैनल खोल के रखा था लेकिन मैंने उतना अच्छा से काम नहीं किया, 1-2 वीडियो अपलोड करके छोड़ दिया था, और मैंने 1 महीना 17 दिन के अंदर में पूरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है और चैनल मोनेटाइजेशन किया हुआ, बस मेरा आज 18 से 17 दिन हुआ है, ऐसा ही हुआ है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो, अभी मेरा कुछ भी यूट्यूब से अर्निंग नहीं है और मैं जो भी कमाता हूँ स्पॉन्सरशिप से, कभी कभी स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, और आप लोग समझ सकते हो स्पॉन्सरशिप से मतलब दिन में ऐसे 1-2 हज़ार हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, वो सभी आप लोगों को पता ही होगा स्पॉन्सरशिप से कितना कमाया जाता है बोलकर। और काफ़ी सारे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई फेस रिवील करो, 100K सब्सक्राइबर हो चुका है तुम्हारा। तो देखो भाई, अभी हमारा फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर में कॉन्ट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है, तो कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर में अगर मैं फेस रिवील कर दूंगा तो ये लोग मीम्स बना के शेयर कर देंगे, ये मुझे पता है। मतलब कि इतना हरामी बंदे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग मतलब यही चाहते हैं अगर किस बंदा ने फेस दिखा दिया तो उसका मीम्स बना के शेयर करेंगे, थंबनेल में ये वो लगा देंगे। तो मैं इसीलिए मतलब अगर आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं जरूर से 200K में मैं फेस रिवील करने का जरूर सोचूंगा, अगर ये सभी कंट्रोवर्सी नहीं रहा तो। तो जल्दी से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से सब्सक्राइब कर दो। तो भाई लोग आज का वीडियो इतना रहा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना। किसी भाई का क्वेश्चन छूट गया होगा उसके लिए माफ करना, क्योंकि सभी का क्वेश्चन का आंसर दे पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। अगर मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर दे देता तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती। तो आज का वीडियो इतना रहा, तो चलिए भाई लोग मिलते हैं और एक मजेदार वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहा, बाय बाय।